सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट वसंत का प्रथम पाठ पाठ एक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी हमेशा आजाद रहना चाहते हैं, हमेशा घूमना चाहते हैं। कनक यानी सोने की तीलियाँ, यानी सोने की ये तारों से बनी हुई जो होती है पिंजरा होता है, तो सोने की तारों से बना हुआ पक्षी को वो सोने की पिंजरे में रहने से अधिक बाहर घूमना अच्छा लगता है। वो घूमना चाहते हैं आज़ाद होकर। वो कहते हैं कि हम पिंजरे में रहेंगे तो हम उड़ना भी भूल जाएंगे, पुलकित पंख भी हमारे जो हम उड़ते रहते हैं वो पंख भी टूट जाएंगे, उसमें फड़फड़ाते रहते हैं। हम बहता जल पीने वाले, हम घूमते हुए बहता हुआ नदियों का जल पीते हैं। पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली हैं कटुक निमोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। हमको सोने की ही पिंजरे में जो कटोरी भरी हुई मिलती है मैदा की, खाने के दाने चुगने को मिलते हैं, उससे तो अच्छा हमारे को आज़ाद होकर नीम के पेड़ की निमोड़ियाँ ही अच्छी लगती है। इसी प्रकार स्वर्ण श्रृंखलाओं के बंधन में, इस सोने की जंजीरों के बंधन में हम अपनी उड़ान की गति भी भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। इस प्रकार हम सपने ही देखते रह जाएंगे कि पेड़ों पे कब झूलते थे, ऐसे थे अरमान के उड़ते नील नभ की ही सीमा पाने। लाल किरण सी चोच चोक खोल चुग दे तारक अनार के दाने। हम आकाश में उड़ने वाले पक्षी और चोंच से चुगने वाले अनार के दाने पेड़ों पर, आज हम उसको भूल जाएंगे अगर स्वर्ण श्रृंखलाओं में बंधे रहे तो। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनिक सांसों की डोरी। नीर न हो नीर दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन भिन कर डालो लेकिन पंख दिए हैं तो, आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। कि हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमारी उड़ान में विघ्न यानी बाधा मत डालो। हमें को हम तो आज़ाद पंछी हैं, हमारे पंख दिए हैं ईश्वर ने तो हमें उड़ने दो, है ना। इसी प्रकार कवि ने शिव मंगल सिंह सुमन ने यह कविता पक्षियों के बारे में, आज़ाद रहने के बारे में कही है। और यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, इनको पढ़िए और इनका ध्यान से इनका उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।